सड़क पर हो रहे पुल निर्माण के काम में नगरपालिका और ठेकेदार की लापरवाही किसी हादसे का इंतजार कर रही है। यह निर्माण कार्य हो रहा है उस जगह ना तो बैरिकेड लगाए गए हैं और ना ही गड्ढे भरे गए हैं। बारिश होते ही इन गड्ढों में काफी पानी भर गया है जो राह चलते लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। गड्ढे काफी गहरे हैं, अगर उसमें कोई गिर जाए तो जान जा सकती है। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव वार्ड नंबर 16 में स्थित विवादित पुल निर्माण में बारिश में ही ठेकेदार द्वारा बेस के खोदे गए गड्ढों में काफी मात्रा में पानी भर गया है, जिसे आम नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते देखे जा रहे हैं। नियमानुसार ठेकेदार के द्वारा ही निर्माण स्थल पर आवागमन अवरुद्ध किया जाता है व बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की जाती है, लेकिन पुलिया पर ठेकेदार के द्वारा ना तो बैरिकेटिंग की गई है और ना ही मार्ग को अवरुद्ध करने हेतु कोई प्रयास किया गया है। निर्माण स्थल पर कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं पुल निर्माण के पूर्व चयनित स्थान पर ड्रिल कर हार्ड स्टेट देखना था, जिसकी अनदेखी की गई, जिसके कारण नींव की गहराई अनुमानित से ज्यादा अधिक हो जाने से भविष्य में पुल की लागत भी बढ़ेगी। नगरपालिका वार्ड परिसीमन के अनुसार उक्त पुलिया वार्ड नंबर 16 में आती है, लेकिन न जाने किन कारणों से या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त पुलिया को वार्ड नंबर 12 में स्थानांतरित कर DPR वार्ड नंबर 16 के बजाय वार्ड नंबर 12 के नाम से तैयार कराया गया। यह आरोप भाजपा के पार्षद ने लगाया है। दो कारण है प्रमुख। वैसे नियम से टेंडर जब हो गया था और जो टेंडर की राशि स्वीकृत हो चुकी थी, उसके 15 दिन के अंदर उनको वर्क आर्डर जारी कर देना था। पुलिया आज से 3-4 महीने पहले बन चुकी हो, परंतु वार्ड नंबर 16 की पार्षद और वार्ड नंबर 12 के पार्षद पति के बीच में विवाद था पैसों का, कि ये जिस जो भी बनाएगा उसको कमीशन मिलेगा, उसको पैसा बचेगा। और इस काम में 3 लोग सम्मिलित हैं, एक तो अध्यक्ष का पति, पार्षद पति और वो जो ठेकेदार है। ठेकेदार क्या है, ठेकेदारनी है, और ठेकेदारनी कभी आज तक जामे की किसी व्यक्ति ने नहीं देखा कि कौन ठेकेदार है। उसका पति ठेके का काम करता है। ये 3 लोगों के बीच में बंदर बांट होनी थी, और क्योंकि बरसात का समय लग गया है, पुलिया बनना संभव नहीं है। जो अच्छी पुलिया थी उसको तोड़ दी गई है, मतलब नगर पालिका की को एक चपत लगाई गई है ठेकेदारों के, अध्यक्ष के द्वारा और पार्षद पति ने मिल के लगाए हैं। ये इसका बहुत भारी नुकसान, एक व्यक्ति है संजय जैन, वो भी ठेकेदारी करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।